हरियाणा के रोहतक से बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक गुरुकुल में कुछ बच्चों ने अपने सीनियर्स पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। वहीं पीड़ितों को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया है। रोहतक के गुरुकुल में 5 से 6 मासूमों के साथ हुई दरिंदगी की घटना ने सभी को चौंका दिया है। इस मामले का खुलासा रक्षाबंधन के मौके पर हुआ, जब उनके अभिभावक उनसे मिलने गुरुकुल पहुंचे थे। तब रोते बिलखते बच्चों ने माता पिता को बताया कि कुछ सीनियर्स उनके साथ गलत हरकत करते हैं। बच्चों के साथ हुई हैवानियत को सुनकर परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई, जिसके तुरंत बाद उन्होंने पुलिस को मामले की जानकारी दी। आरोप लग रहे हैं कि बच्चों के साथ ये दरिंदगी काफी वक्त से हो रही थी, लेकिन गुरुकुल प्रबंधक ने इस घटना को दबाए रखा। वहीं इस मामले में गुरुकुल के आचार्य ने सफाई देते हुए कहा कि उनके गुरुकुल में कभी ऐसा नहीं हुआ। कई बार बच्चे यहाँ से भागने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं, ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। अब यहाँ गुरुकुल के आचार्य तो इसे छोटी मोटी घटना बताकर मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन सच क्या है वो तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। पीड़ितों की मेडिकल जांच कराई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच जारी है। आपको बता दें कि जिस गुरुकुल की ये घटना बताई जा रही है, वो रोहतक में 1991 से चल रहा है। इस वक्त इसमें 200 बच्चे हैं और यहाँ पढ़ाई होती है और बच्चे हॉस्टल में रहते हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें।